सो वेलकम बैक टू द अंदर वीडियो. इन दिस वीडियो वी गोना डिस्कस अबाउट एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर अ हाफ साइकिल. सो हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव. आई होप यू आर डूइंग वेल. सो बड़ा सिंपल सा डेरिवेशन और एग्जामिनेशन के लिए भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं आता, लेकिन जो हमारे प्रैक्टिकल्स होते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें लास्ट में वैल्यू निकल के आती है. एक छोटा सा फॉर्मूला और एक परसेंटेज वैल्यू, वो हमारे प्रैक्टिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है. कभी कभी उसमें इसमें से क्वेश्चन पूछ लेते हैं. तो यहाँ पर हम करेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर अ हाफ साइकिल. मतलब कि जो एसी है वो हमारी क्या, एक साइकिल पूरा करती है टीम टी टाइम पीरियड में, वो हम निकालने वाले उसकी एवरेज वैल्यू ओवर अ हाफ साइकिल. हाफ साइकिल मतलब ये टी टाइम पीरियड में कुछ पूरा कर रही थी एसी, हम क्या टी हाफ में उसकी क्या एवरेज करंट की वैल्यू निकालेंगे, ये हम निकालने वाले हैं. तो बिल्कुल सिंपल सा डेरिवेशन है. सारी चीजें हमारी जो है वो मैथमेटिकल टर्म वाली यूज होने वाली है. इसमें कुछ भी इतना खास ऐसा समझने का भी नहीं है. फिर भी देखते हैं. जैसे हमारे पास जो एवरेज होता है, एवरेज हमें पता है, जैसे एवरेज स्पीड होती थी, एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन. उसी तरीके से यहां पर आ जाएगा एवरेज करंट आ जाएगा आई डी टी अपॉन डी टी. ये हमारी वैल्यू आ जाएगी और दोनों चीज़ों को हम क्या है इंटीग्रेट कर देंगे, लिमिट्स लगा देंगे हम जीरो से लेके टी बाई टू. जैसे पूरे सर्कल पूरे साइकिल में तो होती है जीरो से लेके टी तक. ये हम यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं, मतलब हम वैल्यू निकालने हाफ साइकिल की. तो हम जो टाइम लिमिट लेंगे वो लेंगे जीरो से लेके टी बाई टू. ये हम वैल्यू रख देंगे और सिंपली हम इसको कर देंगे इंटीग्रेट. आई की जगह हम वैल्यू रख देंगे उसकी वैल्यू, जो आई की इक्वेशन होती है, आई की वैल्यू होती है वो होती है आई नॉट साइन ओमेगा टी. आई की जगह हम अपनी ये वाली वैल्यू रख देंगे. आई नॉट का मतलब सिंपली हमारा यहाँ पर तो जो हमारी मैक्सिमम करंट होती है. अब यहाँ पर ही हमारी ये वैल्यू आ गई. अब जो उसमें से कॉन्स्टेंट है हमें पता है इंटीग्रेशन करने के लिए, वो हम बाहर ले लेते हैं और जिस चीज का हमें इंटीग्रेशन करना है उसकी वैल्यू हम रख देंगे. जैसे हम यहां पर रखेंगे आई नोट, तो हमारा क्या बाहर आ जाएगा और साइन ओमेगा टी का जो हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा डी टी के थ्रू, वो हो जाएगा हमारा माइनस का कोस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा. ये हमारी वैल्यू आ जाएगी इसका इंटीग्रेट करने के बाद. ये आपने ट्वेल्थ क्लास में जैसे मैथ्स में इंटीग्रेशन चैप्टर किया होगा, उसमें आपने समझ लिया होगा किस किस तरीके से होता है. बिल्कुल उसी तरीके से हमने किया. और लिमिट्स रख देंगे हमारी कहां से चल रही है, जीरो से टी बाई टू. इसी तरीके से हमारा जो नीचे डी टी का जो इंटीग्रेशन है वो आ जाएगा हमारा t बाई टू और हमारी लिमिट्स आ जाएंगी जीरो से t बाई टू तक हमारी लिमिट आ जाएंगी. अब ये सिंपली हम अपना इसको सोल्व करते हैं. मतलब यहाँ पर जीरो से टी बाई टू डी टी का हमारा सिंपली टी हो जाएगा और जैसे हम लिमिट्स रखेंगे तो फाइनल वैल्यू हमने डायरेक्ट वैल्यू लिख दी जैसे टी बाई टू. ये हमारी वैल्यू आ गई. अब हम क्या करेंगे, ये टी बाई टू जैसे टू नीचे था ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जो फाइनल वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आई एवरेज इज इक्वल टू माइनस का टू आई नॉट. ये जो माइनस अंदर था ये हमने बाहर ले लिया और टी ओमेगा ये हमारी नीचे वैल्यू आ गई. अब हम रखते हैं इसके अंदर लिमिट. इसके अंदर सिंपली लिमिट रखेंगे. पहले तो हम जो ओमेगा है ओमेगा की जगह रख देंगे टू बाय बाय टी. ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी टू बाय टी, उसकी जगह वैल्यू रख देंगे और पहले रख देंगे स्मॉल टी की जगह टी बाय टू, फिर दूसरी बारी में रख देंगे स्मॉल टी की जगह जीरो और बीच में लगा देंगे माइनस. ये हमें सिंपली सॉल्व करना है. यहां पर हमारा क्या है, इस टी से ये टी कट जाएगा और वैल्यू को हम सॉल्व कर लेंगे. वैल्यू सॉल्व करने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी, मींस आई एवरेज की वैल्यू आएगी ओवर हाफ साइकिल, वो आ जाएगी आई एवरेज इज इक्वल टू माइनस का टू आई नॉट टी ओमेगा. ये तो हमारी नॉर्मल वैल्यू चली रही थी. जो अंदर से वैल्यू आएगी इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस वन. माइनस वन कैसे, जैसे ये टू से टू कटेगा तो कोस पाई की जो वैल्यू होती है वो माइनस वन होती है और यहाँ से हमारा ये इंटू जीरो हो जाएगा. तो ये तो सारा मतलब कि कोस जीरो की वैल्यू, ये अंदर का जीरो मीन्स ये वाला एंगल वाला पार्ट जीरो, तो ये कोस जीरो की वैल्यू होती है वन और ये माइनस का एज इट इज चल रहा है तो माइनस वन आ जाएगा. अभी हो जाएगी आई एवरेज इज इक्वल टू माइनस का टू आई नॉट, ये एज इट इज चल रहा है. ये जो हमारा नीचे ये वाला माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, वन वन क्या हो जाएगा माइनस का टू और जो ये नीचे ओमेगा था इसकी वैल्यू हम रख देंगे टू पाई बाय टी. ये सब वैल्यू रखने के बाद हमारी ये इक्वेशन आ जाएगी. अब यहाँ पर हमारा जो टी से टी कट जाएगा और इस वाले टू से ये वाला टू कट जाएगा और जो फाइनल वैल्यू बचेगी वो हमारी आ जाएगी आई नो आई एवरेज इज इक्वल टू टू आई नोट अपॉन पाई. ये हमारी वैल्यू आ जाएगी और यही क्या होती है हमारी, यही होती है एवरेज वैल्यू ऑफ ए सी ओवर अ हाफ साइकिल. और ये कितनी होती है, ये होती है मेन जो पॉइंट है समझने का याद रखने का, वो हमारा ये है, ये हमारी आई नोट की मीन्स हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू की करंट की कितनी होती है एवरेज वैल्यू, वो होती है 63.7%. ये हमारा मेनली प्रैक्टिकल्स में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि वो मतलब कितनी वैल्यू होती है हमारी एवरेज एसी की ओवर अ, मतलब कि इन कंपैरिजन टू हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है करंट की, वो होती है हमारी 63.7%. ये हमारी वैल्यू आती है. तो बिल्कुल सिंपल सा डेरिवेशन आ जाता है. मेन पार्ट हमारा जो था ये वाला आता है, बाकी ये तो सब हमारी क्या है मैथमेटिकल चीज़ें होती है. तो वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसको लाइक जरूर करना और जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना. मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू.